हेलो एवरीवन, अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग का सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इसमें टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। हम लोग एरे पढ़ चुके हैं, एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा इन कंटिन्यूअस मैनर। तो यहाँ पे एरे दो तीन टाइप का हम लोग पढ़े, 1D एरे, 2D एरे और मल्टी-डी एरे। अब 2D एरे में दो सबस्क्रिप्ट होता है, सिंगल एरे में वन सबस्क्रिप्ट। जैसे कि हमारा एरे ए हो गया, अगर मान लेते हैं हमारा इंटीजर एरे ए है तो इसमें एक सबस्क्रिप्ट, मान लीजिए इसका साइज होता है 5, ये क्या हो गया हमारा सिंगल एरे। कैसे पता चला? तो ये जो है आपका सबस्क्रिप्ट जो है ना एक है, सब स्क्रिप्ट आपका सिंगल है, यानी कि सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर सिंगल है तो सिंगल डायमेंशन होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं इंटीजर पी और यहाँ पे साइज ले लिया 5 और कॉलम ले लिया हम लोग 3, तो यहाँ पे क्या हो गया डबल स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट हो गया तो ये क्या हो गया 2D एरे। दैट मीन्स कि जितना स्क्वायर ब्रैकेट होंगे उतने डायमेंशन का हमारा एरे होगा। तो और उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके साइज को रखता है, एरे के साइज को बताता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा इस प्रकार का एरे है तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है, टोटल एलिमेंट्स हमारा 15 हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा कि 2D का हम लोग कैसे डिक्लेरेशन करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट नहीं है तो ए नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए जो है ना 100 और 100 का है, तो यहाँ पे दोनों में सब स्क्रिप्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट इज विच टाइप ऑफ फंक्शन। स्क्वायर रूट जो होता है ना वो किस प्रकार का फंक्शन होता है? तो आपका स्क्वायर रूट पहले से प्रीडिफाइन फंक्शन होते हैं, और प्रीडिफाइन होंगे तो क्या होगा लाइब्रेरी का फंक्शन होगा। यूजर डिफाइन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है अपने यूज के अकॉर्डिंग। एरे का फंक्शन हो नहीं सकता है और नॉन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लाइब्रेरी फंक्शन है स्क्वायर रूट 2, जिससे हम लोग किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, इसका जो है ना आउटपुट आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमारा कंपाइलर यहाँ से मेन से जो है एक्सक्यूशन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए इंटीजर आई है ए है, तो आई जो है ना हमारे मेमोरी में स्पेस ले लेगा और इंटीजर है तो 2 बाइट लेगा। फिर से आपका ए जो है ना इंटीजर टाइप का ही डाटा है तो ये भी जो है ना 2 बाइट स्पेस ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू क्या है, ये 4 है, तो ये 4 कहाँ चल जाएगा आई में, 4 आ गया वैल्यू। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए इक्वल टू यहाँ पे होगा ए माइनस हो गया ए इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो ए इक्वल टू आई प्लस प्लस दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या जा रहा है ए इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो ये आई प्लस प्लस क्या हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग ये जानते हैं कि पहले प्रोसेसिंग करेगा उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो ए इक्वल टू आई हो जाएगा, यहाँ पे 4 वैल्यू हो जाएगा आई और फिर आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अब कह रहा कि प्रिंट कीजिए, प्रिंट परसेंटेज दी, परसेंटेज दी दोनों आई के लिए, यहाँ पे आई है और ए है, तो आई का वैल्यू देखिए कितना है 5 है और ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो 5 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कन्वर्ट्स लेवल टू लेवल, यानी कि कंपाइलर जो है ना हाई से लो में करता है या लो से हाई में करता है। तो हम जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज होता है 0 और 1, हमारा कंप्यूटर इसी को समझता है। तो मेरा टारगेट क्या हो गया कि 0-1 में कन्वर्ट करना, और 0-1 को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो हमेशा कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, तो इसका राइट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी, सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं? तो हम लोग पहले से जानते हैं टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स एक प्रीडिफाइंड रिजर्व वर्ड होता है, इसको वेरिएबल की तरह हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, उसका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग कंपाइलर को पता है, उसी को हम लोग कहते हैं कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोम नंबर। देखिए पैलिंड्रोम नंबर जो होता है ना आपका
वैसा कोई नंबर जिसको हम लोग पलट दें तो भी वैल्यू वही रहे, सेम रह जाए, तो उसको बोलेंगे एंड्रम नंबर। जैसे कि 1 2 1, अब देखिए इसको उलट देते हैं हम, इस 1 को जो है ना इधर लाते हैं, 1 हो गया, इस 2 को यहाँ पे लाए और इस 1 को इधर लाए, देखिए वैल्यू क्या हो गया, दोनों का सेम रहा। तो इस तरह से जो चेक करते हैं हम लोग वैल्यू, और जैसे कि हम चेक करते हैं यहाँ पे 1 2 3, इसको चेक करते हैं, 3 को यहाँ पे लाए, 2 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, देखिए ये वैल्यू क्या हो गया, सेम नहीं है, ये क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया वैल्यू, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 1 है, 1 2 2 1 है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा 1, ये वैल्यू क्या हो गया आपका सेम रह गया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बी, बाकी कोई भी ये जो है ना ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरे इज यूज फॉर मैट्रिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन। देखिए मैट्रिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए कौन टाइप का एरे आप यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं देखिए मैट्रिक्स जो होता है ना रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, ये आपका हो जाता है कॉलम, ये होता है आपका रो, तो रो और कॉलम के फॉर्म में हमारा 2D मैट्रिक्स होता है, यानी 2D एरे होता है, 2-डाइमेंशनल एरे, तो सिंगल डायमेंशन तो होगा नहीं, आपका फंक्शन एरे नहीं होगा, एरे स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या होगा आपका 2D एरे हम लोग यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या मैट्रिक्स के रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन हो तो हम लोग 2-डाइमेंशनल एरे का यूज करते हैं, और 2-डाइमेंशनल एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होता है, जिसमें पहला सबस्क्रिप्ट आपके रो को बताता है और दूसरा सबस्क्रिप्ट आपके कॉलम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी डाटा टाइप। किसी भी डेटा टाइप का क्या फाइंड करने के लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये क्या है, एक स्पेशल ऑपरेटर है जिससे हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा टाइप का साइज फाइंड करते हैं। अब साइज कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ इंटीजर तो इसका वैल्यू क्या देगा 2 बाइट, ये बता रहा है कि मेमोरी में हमारा इंटीजर 2 बाइट सिक्वायर करता है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट ये क्या करेगा आपको 4 बाइट स्पेस जो है ना क्या कीजिए आपका फ्लोट का जो है ना 4 बाइट होता है। अगर हम यहाँ पे देते हैं साइज ऑफ सी एच ए आर कैरेक्टर, इसके लिए 1 बाइट, यानी कि किस डेटा का साइज कितना होता है उसको अगर फाइंड करना है आपको तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और डेटा का नाम लिखेंगे तो उसका साइज जो है ना हमारा कंपाइलर फाइंड करके बता देगा। तो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे साइज, साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी डेटा के टाइप का साइज फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्लस प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, तो आई प्लस प्लस को हम लोग करते हैं पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस आई को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो है ही, ये प्री है और ये पोस्ट है, तो आई प्लस प्लस क्या होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज, इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस इंटीजर जो है ना 2 प्रकार का होता है और इसमें जो है ना आपका हो जाता है शॉर्ट और लॉन्ग, और शॉर्ट जो होता है ना आपका 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में और लॉन्ग जो है ना आपका 4 बाइट स्पेस लेता है। यहाँ पे लॉन्ग की बात की जा रही है तो लॉन्ग कितना हो जाएगा आपका 4 बाइट, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर शॉर्ट की बात की जाए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता अगर शॉर्ट इंटीजर कितना स्पेस लेगा तो ये भी कितना लेगा 2 बाइट, अगर लॉन्ग इंटीजर पूछा जाए तो लॉन्ग इंटीजर कितना लेगा आपका 4 बाइट, अगर सिर्फ इंटीजर की बात की जाए तो ये क्या होगा आपका 2 बाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इंटीजर क्या होता है इंटीजर ही होता है। तो ये जो है ना 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो रहा होगा और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाकर के ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे और इस ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप सब्जेक्टिव भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अंत तक वीडियो देखने के लिए।